जोहार नमस्कार आपने मां देखा था आईवीएन 24 आसाम नोटिस सच अन्याय के हर खबर से जुड़ा रहे के दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर। आपको एक बात बता दूं कि ये बहुत ही उच्च कोटि का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में खासकर बरसों से जो समस्या रही है उसका अस्थाई समाधान के दृष्टि से, यानी उसके जो ऐसे समस्या जो वंशानुगत ढंग से कई पीढ़ी से लोग झेलते आ रहे हैं उसका अस्थाई समाधान, और इस कार्यक्रम की घोषणा बजट में हुई, इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ और आज अवेयरनेस प्रोग्राम के दृष्टि से ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स के कार्यक्रम में, ताकि जब हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संवाद करें तो हमें पूरी जानकारी उनको देना चाहिए और उससे होने वाले समस्याओं के प्रति जागरूक करते हुए समाधान में सहभागी बनाना चाहिए। तो इसी दृष्टि से यह कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। देश भर के ऐसे वरिष्ठ चिकित्सक, खास करके शिशु विशेषज्ञ पूरे देश भर से जुड़े हैं और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वैसे सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं और अभी टेक्निकल सेशन शुरू हो गया है और उसमें कई ऐसी बातें सतही तौर पर आम नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है के उसकी जानकारी रखे, तो इसका अस्थाई समाधान हम सब मिलकर के ढूंढ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य है कि हम इस तरीके से इसकी रचना को आगे बढ़ाएं कि 2047 तक इस समस्या से भारत मुक्त हो जाए। इसमें सर कितने डॉक्टर्स वगैरह कितने पार्टिसिपेट करेंगे, कितने मतलब देखिए ये लगातार ये क्रमवार, जैसे अभी इंटरनेशनल पेडियाट्रिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट अभी जुड़े उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में 10 लाख पेडियाट्रिक्स हैं, इंडिया में बहुत बड़ी संख्या है, तो इंडिया में भारत में जो ऐसे शिशु विशेषज्ञ हैं वैसे सारे लोगों को जोड़ करके अगर इस अभियान को हम नीचे तक अवेयरनेस के साथ बढ़ा सके तो हमें बहुत कम समय में इसकी अच्छी प्रगति मिलेगी। जोहार नमस्कार, आपने मन देख रहा था आईबीएन 24 आसाम नोटिस सच अन्याय के हर खबर से जुड़ा रहे हमारा यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट।